आलू जीरा की रेसिपी बनाने के लिए जहाँ पर हमने लिए हैं 6 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, तो आलू को हमने अच्छे से बॉईल करके छील लिया है। तो अब इनको हम काट लेंगे। तो हमने इनको थोड़े बड़े पीस में काटना है क्योंकि ये आलू उबले हुए हैं। तो इस तरह हमने थोड़े से बड़े पीसेस में इनको काटना है क्योंकि जब इनकी हम तड़का लगाएंगे तो ये टूटेंगे नहीं, इसलिए इनको हम थोड़े बड़े पीसेस में काट कर तैयार करेंगे। दो चम्मच जो है हमने मस्टर्ड ऑयल डाला है, आप कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं। तो लीजिए, हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून जहाँ पर मैंने डाली है राई, राई को अच्छे से चटकने देंगे और साथ में डालेंगे 1 पिंच हींग, 1 टीस्पून जहाँ पर मैंने डाला है साबुत जीरा। इस रेसिपी में जो जीरा है थोड़ा ज़्यादा ही पड़ता है। और साथ में हम डालेंगे जहाँ पर हमने 1 टीस्पून जहाँ पर मैंने लिया है साबुत धनिया, जिसको मैंने हल्का सा दरदरा सा कूट लिया है, वो डाल देंगे। तो अब इसमें हम डालेंगे जो हमने आलू लिए हैं बॉईल कर काट कर रखे थे, वो डाल देंगे और इनको हम 1 से 2 मिनट जो है अच्छे से भून लेंगे। तो लीजिए, हमने आलू को 1 से 2 मिनट जो है फ्राई कर लिया है। तो अब इसमें हम डालेंगे मसाले। तो सबसे पहले हम जहाँ पर डालेंगे 1/2 टीस्पून जहाँ पर मैंने डाला है धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून जहाँ पर मैंने डाला है हल्दी पाउडर, और टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने डाला है नमक, और 1/4 टीस्पून जहाँ पर मैंने डाली है कुटी हुई लाल मिर्च जो तीखी वाली है, 1/4 टीस्पून जहाँ पर मैंने डाला है कश्मीरी लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून जहाँ पर मैंने डाला है गर्म मसाला। तो इन सभी मसालों को हम अच्छे से आलू में मिक्स करेंगे और 1 मिनट हम आलूओं को और फ्राई कर लेंगे ताकि जो हमारे मसाले हैं अच्छे से भून जाएं और आलूओं पर अच्छे से मसाले की कोटिंग हो जाए। इनको हम 1 मिनट ढक के पका लेंगे ताकि जो हमारे मसाले हैं अच्छे से पक जाएं। तो लीजिए, 1 मिनट हो चुका है मसालों को भूनते हुए। तो अब हम जहाँ पर डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, जिसको कि मैंने हाथों से क्रश कर लिया है। तो साथ में हम आलू जीरा को थोड़ा चटपटा बनाने के लिए जहाँ पर मैंने डाल दी हूँ 1/4 टीस्पून जहाँ पर मैंने डाला है चाट मसाला, इससे हमारे जो आलू जीरा है बहुत ही चटपटा बनकर तैयार होंगे। तो जहाँ पर हम गैस की फ्लेम कर देंगे बंद और इनको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। 1/2 नींबू का रस लिया है, वो डाल देंगे। अगर आपके पास नींबू का रस नहीं है तो आप जहाँ पर ड्राई मैंगो पाउडर भी डाल सकते हैं, और थोड़ा सा डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो इनको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो लीजिए, हमारे चटपटे मसालेदार आलू जीरा की रेसिपी बनकर बिल्कुल तैयार है। बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। तो लीजिए, हमारे आलू जीरा सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप इसको रोटी, पराठा, पूरी किसी के साथ भी जो है खा सकते हैं, और बच्चों के टिफ़िन में दे सकते हैं, लंच बॉक्स में। बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में और इनको बनाना बहुत ही आसान है और इतने टेस्टी बनकर तैयार होते हैं कि पूछिए मत। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और जो साथ में बेल आइकन उसको भी प्रेस करना ताकि जो भी हमारी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फिर मिलेंगे इस तरह की नई और डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए सत श्री अकाल।